जल अभिषेक के लिए चुना गया। मैं इस परिवार का अपनी तरफ से, अपनी कीर्तन मंडली की तरफ से इनका धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे जो भगवान भोले यहाँ स्थापित हैं उनको पवित्र कर दिया। आज से ये मानना पड़ेगा कि भोले का जो दर्शन है यहाँ भी उसी रूप में होगा जैसे लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। इसके लिए मैं इस परिवार का ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारे मंदिर में आकर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की कि हमें इन्होंने हमेशा के लिए अपना करजई बना लिया और भोले को, हमारे जो भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं उनको पवित्र कर दिया। उनमें जो प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई थी उनमें और बल आ गया। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, आज खुशियों का दिन है और इन्होंने परिवार ने ढोल धमाके के साथ ये जो कांवड़ की यात्रा पूरी की, यहाँ जल अभिषेक किया, भगवान भोले को पवित्र किया और इसके बाद अब कीर्तन होगा। इस परिवार ने कीर्तन रखा, उस कीर्तन के बाद परिवार ने चाय पानी की व्यवस्था सभी के लिए रखी है। मैं कमेटी की तरफ से और कीर्तन मंडी की तरफ से इस ब्राह्मण परिवार का ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ और हमेशा ही मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि हमारी जो भगवान भोले हैं वो हमारी कम्युनिटी को, हमारी समाज को सद्बुद्धि दें, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। मन में यहाँ किसी ने कुछ नहीं ले जाना संसार से, एक भगवान का नाम है जो साथ में जाना है। ये धन दौलत माया सब कुछ यहाँ राजा नहीं है, एक उसका नाम जाना है। इसलिए उसका उस नर्मता के साथ, उस नरमाई के साथ, उस प्यार के साथ, उस सद्भावना के साथ अपनी समाज की रचना करें, समाज में सहयोग दें और जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगे नमस्तक होकर ईगो न रख के अपने काम में करें। यही मेरी अपनी कम्युनिटी को सद्भावना है, प्रार्थना है और मैं भगवान भोले की अब उनको मैं चल नमस्कार करता हूँ और यही चाहता हूँ कि हमारी जो समाज है वो प्रफुल्लित रहे। जय भगवान भोले। हरि प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जी? लड़का है और आप मंदिर में जल भी है। मैं ये जो हमारा परिवार है, ये हरप्रीत जी हमारा बच्चा है, इन्होंने बहुत कुछ छोटी उम्र में करके दिखाया है। मैं ये कहता हूँ जो बाकी भी युवा वर्ग है उनको इनसे सीख लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इधर उधर जाने की बजाय सारा जैसे कि फालतू टाइम खराब करते हैं बच्चे, भगवान की तरफ अपना ध्यान रखें ताकि उनको परमात्मा आगे सद्बुद्धि दे और उनको शक्ति दे। जो हम कहते हैं अभी आज भगवान परशुराम मंदिर में और भगवान परशुराम भवन जो हमारा बना हुआ है वहाँ पर आज जैसे कि शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि के दिन ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार से यहाँ पर आज पहुँची है हमारे मंदिर में। हम हमारे सारी संगत की तरफ से और हमारी ब्राह्मण सभा और परशुराम मंदिर की तरफ से इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ पर जल लेके नहीं आया था। जैसे जल से किया, हम कहते हैं इसको आगे के लिए और बढ़ चढ़ कर साथ दें और मंदिर जो हमारा है इसका भी नाम आगे और ऊँचा हो। ठीक है, सबको धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले अपने परिवार को, ये इनकी मदर हैं और ये इनकी दादी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ कि बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए इन्होंने, जो कि भोले बाबा की सेवा में लगाया। तो शर्मा परिवार को आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहुत पुराने मेरे टीम के मेम्बर हैं और सावन के पवित्र महीने में आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, और इतने शुभ दिन पर इन्होंने यहाँ पर गंगा जल लाकर हम सब के हाथों से जहाँ हरिद्वार से बेटा आया है ना वहाँ तक आज आवाज गूंजेगी, हर हर गंगे करेंगे, वहाँ तक हर हर गंगे तक हमारी आवाज गूंजेगी। बहुत भाव भरा परिवार है, ये बहुत श्रद्धा वाला, मेरे साथ बड़े सालों से जुड़ा हुआ है तो इनकी श्रद्धा, इन्होंने बहुत मेरे मंदिर के लिए सहयोग किया है। और वैसे ही कहते हैं ना, जैसे संस्कार मिले बच्चा वैसे ही इन्होंने इतना पैरों में छाले पड़े मेरे को देखकर बड़ी हो रहे हैं, तो बच्चे ने इतनी अपना कर दिया है वहाँ से आकर, तो मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार।
और सदा सबके बच्चों पर ऐसे संस्कार आए, वही पर ले लीजिए सुनो आरती का पिला के बाद सुनो अरबोरे गौरम करुणावता सहसारे सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च कारमेव तमेव विद्या च विडम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव दादा के दरबार में हम सभी खड़े हैं दो देने वाले आप हैं मांगत लाख करो हे प्रभु कितना दीजिए जा में कृष्ण समाए मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूख
का जाय गुनहगार के भेड़ दे सुनो गरीब निवार जे मैं पोते कपोते हो मेरे लाख पिता घर लाज औषध लाके द्रोपदा संकट द्रोपहलाज कहन सुनन के कछु नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज शरण पड़ा छोड़ो नहीं तुम जानो जगदेश दोनों भुजा पसार के मैं धर चरणों में शीश आज भी तेरा आशरा प्रभु कल भी तेरी आस गरी गरी तेरा आशरा माचे तंबारम्मा रतन सिंहासन बैठ के प्रभु सबका मुजरा ले जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे आनंदी आनंद करो माँ दुर्गे करो कल्याण आज पर जो छट करी माँ करिय तेरा गुणगान माता पार्वती मेरी मात है पिता है भोलेनाथ इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हरिओम जिजने नित्यमय जंत देवा स्थान धर्मान प्रमाण न्यादन्ना दे कालो भवन चा पुष्पांजलि मैं तुम जहां रोशन कर भगवान की जय नमः पार्वती हर हर महादेव।